कहते हैं मगरमच्छ और हिप्पोपोटामस की जन्मजात दुश्मनी होती है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक वाइल्ड बीस्ट उस झील के किनारे पानी पीने के लिए आता है, तभी झील के अंदर पहले से ही तैनात मगरमच्छ उसके ऊपर हमला कर देता है। हमला सटीक नहीं होता है, इसलिए मगरमच्छ के जबड़े में वाइल्ड बीस्ट का एक टांग फंस जाता है। वाइल्ड बीस्ट अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि मगरमच्छ के जबड़े से अपनी टांग को छुड़ा ले, लेकिन मगरमच्छ के जबड़े में इतनी ताकत होती है कि इसके मुंह से किसी चीज को छुड़ा पाना बहुत मुश्किल होता है। वाइल्ड बीस्ट पहले तो ताकत लगाकर अपने आप को जमीन तक खींच लेता है, लेकिन उसके बाद मगरमच्छ फिर से उसे पानी के अंदर ले जाता है। देखने वालों को लगता है कि बस वाइल्ड बीस्ट की कहानी यहीं खत्म हो चुकी, लेकिन तभी मगरमच्छ से कुछ ही दूरी पर दो हिप्पोपोटामस इस खेल को देख रहे होते हैं। उन दोनों हिप्पो के मन में कुछ सूझता है और उसी वक्त वे दोनों एक साथ मगरमच्छ के ऊपर हमला कर देते हैं। मगरमच्छ अपने आप को बचाने के लिए तुरंत वाइल्ड बीस्ट को छोड़कर वहां से भाग जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिप्पोपोटामस मगरमच्छ को मारकर खाना नहीं चाहता, बल्कि सिर्फ उसे परेशान करने के लिए और वाइल्ड बीस्ट की जान को बचाने के लिए ऐसा करता है। लेकिन उसी वक्त वहां के इलाके में मौजूद एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने इस अजीबोगरीब घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। हालांकि जब तक हिप्पोपोटामस उस वाइल्ड बीस्ट की जान बचाने के लिए आगे आए, तब तक मगरमच्छ अपने जबड़े से वाइल्ड बीस्ट की टांग को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर चुका था, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं।